अब कल को एसईजेड यूनिट ने आपके एमआईडीसी यूनिट को मान लिया जाए तो क्या होगा? उसमें वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया है, इन दैट केस यू हैव टू पे द टैक्स इवन दो बोथ आर सिचुएटेड इन द वन सेम स्टेट। उसके साथ साथ अगर किसी को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो वी हैव टू यूनिट, थ्री यूनिट, फोर यूनिट, फाइव यूनिट, वॉट एवर द केस में भी, एंड वी वॉन्ट दैट ईच यूनिट मस्ट टेक इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयरफॉर वी वॉन्ट ईच यूनिट मस्ट बी रजिस्टर्ड सेपरेटली, इट इज नाउ परमिटेड। ईच यूनिट कैन बी रजिस्टर्ड सेपरेटली अंडर जीएसटी एक्ट। मेजर कंडीशन फॉर दैट इज इफ दे सप्लाई इंटर यूनिट लाइक अ स्टॉक ट्रांसफर व्हेन यू पे द टैक्स, सिमिलर काइंड ऑफ पोजिशन इज एप्लीकेबल देयर, यू विल हैव टू पे द टैक्स ऑन इंटर यूनिट सप्लाई ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द यूनिट्स आर लोकेटेड इन द वन स्टेट। सेक्शन 29 के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम लोगों का भी एक वीआईए से भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया गया था, सचिन रिमेंबर्स दैट। अगर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करना है तो जब तक वो नंबर कैंसिल नहीं होता उसको रिटर्न फाइलिंग का ऑब्लिगेशन चलता था। समझ लीजिए किसी को 1 अप्रैल 2018 से नंबर कैंसिल करना था, 30 दिन का टाइम है उसको अप्लाई करने के लिए कैंसलेशन के लिए।